पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का 24वां दीक्षांत समारोह सोमवार को संपन्न हुआ। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बिहार के पूर्व राज्यपाल और गांधी जी के प्रपौत्र गोपाल कृष्ण गांधी मौजूद रहे। साथ ही विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी शिरकत किए। रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में 105 गोल्ड मेडल और 340 पीएचडी की डिग्री दी गई। डिग्री लेने वालों में युवाओं के साथ साथ उम्र दराज विद्यार्थियों ने भी उपाधि प्राप्त की। शोधार्थियों और मेडल लेने वाले विद्यार्थियों को सत्र 2016-17 और 17-18 की डिग्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बिहार के पूर्व राज्यपाल और गांधी जी के प्रपौत्र गोपाल कृष्ण गांधी ने शोधार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि 50% महिलाएं जब शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो सदन में भी 50% महिलाएं होनी चाहिए। देश में 36 प्रांत है तो हम देश को संपूर्ण छत्तीसगढ़ कह सकते हैं। अनेकता और विविधता हमारी पहचान है। युवाओं को उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने की सोच हमेशा जीवंत होना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी को नई रोशनी मिले। कि 25 साल पहले इतनी मात्रा में यहाँ महिलाएं इतने स्वर्ण पदक प्राप्त करने के लिए आगे नहीं आई तो शायद 25 साल बाद लोकसभा विधानसभा में भी इतनी मात्रा में महिलाएं होगी और देश का उद्धार होगा। जम्मू कश्मीर से अंडमान द्वीप समूह तक और कच्छ से अरुणाचल तक भारत में कुल 36 प्रांत हैं। कल 37-40 बन सकते हैं, आज 36 है। इसलिए हम पूरे भारत को 36 की संज्ञा दे सकते हैं और हर भारतवासी को 36 कह सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम हर 36 को भारतवासी और हिंदुस्तानी कह सकते हैं। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आनंदी बेन पटेल ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि मेडल धारक सोने की तरह शुद्ध रहे, अपनी छवि को निखारने में कहीं भी पीछे न रहे। समाज और राष्ट्र को आज के युवाओं से काफी उम्मीदें हैं, उस पर खरा उतरे, विकास के मापदंडों पर खरा उतारना होगा। छात्र छात्राओं को पीएचडी की डिग्री और गोल्ड मेडल दिया गया, मैं खुशी व्यक्त करती हूँ। जिसको भी ये डिग्री प्राप्त हुई है, गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, उसका जीवन गोल्ड जैसा ही बनेगा, सोना सोना ही रहता है, उसको कभी भी काट नहीं लगता है। इसीलिए शिक्षा का वही महत्व है जो हमारा जीवन शुद्ध। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बेटियां बहुत आगे बढ़ गई है, वहीं पुरुषों के लिए चिंता का विषय है, इसलिए वे आगे बढ़े। रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने योजना बनाकर युवाओं को रोजगार देंगी, प्लांट लगाकर रोजगार और व्यवसाय दोनों ही दिया जाएगा। आज पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गोपाल कृष्ण गांधी जी आए हुए थे और आज यहाँ जो शोध किए हैं उन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। जो छात्र छात्राएं गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं उन्हें प्रदान किया गया, बहुत ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम हुआ है। और अब ये जो छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय से निकलेंगे उसके बाद उनके सामने रोजगार की समस्या रहेगी और हमने आज इस बात की घोषणा की है कि हम साल भर के भीतर में नए राजधानी में सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना करेंगे, फूड पार्क की स्थापना करेंगे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में। साथ ही यहाँ वनौषधि भी बहुत है तो दवाई बनाने के लिए भी, औषधि बनाने के लिए भी प्लांट लगाएंगे जिससे यहाँ व्यापार भी बढ़े और साथ ही लोगों को रोजगार भी मिले। जाहिर है कि विद्यार्थियों को लंबे समय से डिग्री का इंतजार था क्योंकि पिछले साल भी दीक्षांत समारोह नहीं हुआ जो अब जाकर पूरा हुआ। डिग्री हाथ में मिलने के बाद सभी के चेहरों पर एक अलग ही खुशी दिखाई दी। देश टीवी के लिए कैमरामैन एस गणेश के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।